जेम्स वाइट जेम्स हैरियट के रूप में लोकप्रिय हैं और वह एक ब्रिटिश पशु चिकित्सा सर्जन और लेखक हैं। उन्होंने यह कहानी ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी लिखी है। कहानी तब शुरू होती है जब श्रीमती पम्फ्रे एक अमीर महिला अपने कुत्ते ट्रिकी को बाहर टहलने के लिए ले जाती है। तभी वहाँ जेम्स हैरियट आए और उन्होंने कुत्ते को देखा। कुत्ते को देखकर वे बहुत चिंतित हो गए। कुत्ता खा खा कर फूल गया था और फूले हुए सॉसेज के समान दिखाई दे रहा था। तब उन्होंने मिसिस पम्फ्रे को सलाह दी कि उसका भोजन कम कर दिया जाए, लेकिन श्रीमती पम्फ्रे कुत्ते को मना नहीं कर पाती थी। जल्द ही ट्रिकी बीमार पड़ गई और जेम्स हैरियट को बुलाया गया। ट्रिकी की हालत बहुत अधिक बिगड़ गई थी। वह बहुत अधिक मोटी हो गई थी और उसकी आंखें लाल हो गई थी और सूज गई थी। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी की ओनर अब डॉक्टर हैरियट को यह बताती हैं कि ट्रिकी एक समय पर बहुत अधिक कुपोषित हो गई थी, उसमें भोजन की कमी हो गई थी। इस कारण से उन्होंने उसको तरह तरह की चीज़ें देना शुरू कर दिया, जैसे कि माल्ट, कॉड लीवर ऑयल और एक कटोरा हॉर्लिक्स का रात के भोजन में देना शुरू कर दिया। मिसेस पम्फ्रे यह आर्ग्यूमेंट करती हैं कि मैंने उसको इतना अधिक भी नहीं खिलाया कि उसकी तबीयत ही खराब हो जाए। तभी नरेटर ने पूछा, क्या आपने उसको मिठाइयाँ भी खिलाई थी? मिसेस पम्फ्रे इसका जवाब देते हुए कहती हैं कि हाँ, मैंने उसको मिठाइयाँ भी खिलाई थी और उसे केक और चॉकलेट भी खिलाए थे ताकि वो कमज़ोर ना पड़ जाए। नरेटर को सारी मुसीबत की जड़ पता चल जाती है। यह गलती ट्रिकी की ही है क्योंकि वह कभी भी खाने को मना नहीं कर सकती। वह बहुत अधिक लालची है। मिस्टर हैरियट को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि वह मिसेस पम्फ्रे को इस बात के लिए कैसे राजी करें कि वो ट्रिकी का खाना कम कर दे, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे को ट्रिकी से बहुत अधिक लगाव था और वह उसको बिल्कुल भी सफ़र करते हुए नहीं देख सकती थी। जेम्स हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को स्ट्रिक्टली यह सलाह दी कि अब इसका खाना बिल्कुल बंद कर दो और इसको कुछ भी खाने के लिए मत दो। अब मिसेस पम्फ्रे ने ठान लिया था कि वह ट्रिकी को कुछ नहीं देंगी, लेकिन जब ट्रिकी ठिठुरने लगती है तो उनको दया आ जाती है और वह फिर से उसको खाने के लिए दे देती हैं। मिस्टर हैरियट यह सोचते हैं कि इस तरह तो ट्रिकी कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, इसीलिए वो ट्रिकी को अपने साथ ले जाते हैं। वह ये जानते थे कि मिसेस पम्फ्रे इस बात के लिए नहीं मानेंगी, पर किसी तरह वह ट्रिकी को साथ ले जाने के लिए कामयाब हो जाते हैं। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को जाते हुए देख नहीं पाती। वह बहुत अधिक रोने लग जाती हैं और यह कहती हैं कि अगर ट्रिकी को कुछ भी हो गया तो वह उसके बिना जी नहीं पाएंगी। तभी मिस्टर हैरियट आते हैं, कुत्ते का सारा सामान पैक करके कुत्ते को ब्लैंकेट में रैप करके गाड़ी में बिठा देते हैं। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को 15 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज्ड कर देते हैं। वह ट्रिकी को अपने घर ले जाते हैं। उनका पूरा स्टाफ और नौकर ट्रिकी की सेवा में लग जाते हैं। कुछ लोग ट्रिकी का बेड लगाते हैं और कुछ लोग उसके बेड को उसकी फेवरेट कुशन व खिलौनों से सजाते हैं। उसके लिए उसकी ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल और सुपर बाउल में उसे खाना भी खिलाते हैं। तभी डॉक्टर हैरियट को एक आइडिया आता है। डॉक्टर हैरियट अपने अस्पताल के सभी कुत्तों को बुलाते हैं। ट्रिकी उन्हें देखती है पर अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पाती और कारपेट पर लेट जाती है। सभी कुत्ते भी ट्रिकी को इग्नोर कर देते हैं। डॉक्टर हैरियट अपने नौकरों को ट्रिकी की सेवा करने के लिए मना कर देते हैं। उन्होंने ट्रिकी को खाना देना तक बंद कर दिया और पूरे दिन में सिर्फ पानी पीने के लिए दिया। कुछ दिन बाद ट्रिकी बेहतर होने लगी और बाकी कुत्तों के साथ भी खेलने लगी।
कुछ दिनों बाद ट्रिकी पूरी तरह से ठीक भी हो गई और काफी एक्टिव भी हो गई। अब काफी समय बीत गया था। मिसेस पम्फ्रे को ट्रिकी की बहुत अधिक याद आ रही थी, लेकिन हैरियट ट्रिकी को वापस नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए रोज ताजा अंडे और वाइन भेजती थी, जिससे उन्हें रोज अच्छा नाश्ता मिल जाता था। पर कुछ समय बाद डॉक्टर हैरियट ने सोचा कि उन्हें ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने ट्रिकी को वापस भेजने का निश्चय किया। जब ट्रिकी को हैरियट घर ले गए तो मिसेस पम्फ्रे खुशी से रोने लगी। ट्रिकी को ठीक देखकर और हेल्दी देखकर मिसेस पम्फ्रे बहुत खुश हो गई। उन्होंने डॉक्टर हैरियट को शुक्रिया कहा। अंत में लेखक कहते हैं कि यह है एक ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, क्योंकि ट्रिकी बिना किसी दवाइयों के इलाज से ही ठीक हो गई।